कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया की एक फ्लाइट में, जहां सारे लोग बेहद डरे हुए थे क्योंकि उनके मेन पायलट और कई यात्रियों की मौत हो चुकी थी। प्लेन जल्द ही अमेरिका में लैंड होने वाला था और सबको लगा कि अब उनकी मुश्किलों का अंत हो जाएगा, लेकिन यूएसए की सरकार ने उन्हें लैंड करने से साफ इनकार कर दिया। हवाई जहाज फिर से कोरिया वापस मुड़ गया, लेकिन वहां लाखों लोग प्लेन को लैंड ना करवाने के लिए धरना लगाकर बैठे थे, जिससे प्लेन को चाइना और जापान की तरफ मुड़ना पड़ा, लेकिन वहां से भी उन्हें धमकाकर निकाल दिया गया। आखिरकार पूरी दुनिया में कोई भी देश उन्हें लैंड करने नहीं दे रहा था और सारे पैसेंजर्स हवा में ही फंस गए। इस सब की शुरुआत हुई थी 8 घंटे पहले, जहां रियू नाम का एक रहस्यमयी आदमी एयरपोर्ट पर घूम रहा था। वो रिसेप्शनिस्ट से पूछने लगा कि किस फ्लाइट में सबसे ज्यादा यात्री हैं, लेकिन उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। वहीं पार्क नाम का एक आदमी अपनी बेटी सोमिन के साथ प्लेन में चढ़ने वाला था। सोमिन बाथरूम गई तो वो गलती से आदमियों के बाथरूम में घुस गई। रियू भी उसी बाथरूम में मौजूद था और उसने अपनी बाजू में एक कट लगाकर एक कैप्सूल डाल लिया। इसके बाद उसने घाव को सील लिया और तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। तभी पार्क वहां अपनी बेटी को ढूंढता हुआ आ पहुंचा। इसका मतलब सोमिन ही वो लड़की थी जो रियू को छिपकर देख रही थी। उधर इनो नाम का एक पुलिस वाला अपनी पत्नी से बात कर रहा था, जो कि हवाई जाने वाली एक फ्लाइट में चढ़ने वाली थी। बाद में काम पर उसे कुछ बच्चों ने एक वीडियो भेजी जिसमें उनका पड़ोसी एक प्लेन को हाईजैक करने की तैयारी कर रहा था। इनो तुरंत उन बच्चों से मिलने गया और पता चला कि वीडियो वाला आदमी उनका पड़ोसी ही है। इनो और एक दूसरे ऑफिसर ने उस आदमी के घर की तलाशी ली, जहां उन्हें प्लास्टिक में लिपटी हुई एक लाश मिली। उधर एयरपोर्ट पर पार्क रियू और उसकी बेटी से पूछने लगा कि वो कहां जा रहे हैं। इससे पार्क गुस्से में आ गया, लेकिन बदकिस्मती से रियू को पता चल गया कि वो दोनों हवाई जा रहे हैं। इसके बाद उसने भी हवाई की एक टिकट ले ली। सिक्योरिटी जांच में उसके बैग से एक डिवाइस निकला, लेकिन वो उसे अस्थमा इनहेलर बताकर बच गया। इसके बाद सारे यात्री प्लेन में बैठ गए। कुछ देर बाद प्लेन चल पड़ा और रियू उठकर बाथरूम की ओर गया। वहां उसने अपने घाव को फिर से खोला और कैप्सूल बाहर निकाल लिया। उस कैप्सूल को उसने अस्थमा इनहेलर में डाल दिया और फिर अपना मुंह ढककर पूरे बाथरूम में अजीब सी चीज छिड़क दी। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इनो को पता चला कि लाश की मौत जहर की वजह से हुई है। वहीं एक ऑफिसर को वीडियो टेप्स मिली जिसमें एक आदमी चूहों से भरे डब्बे में अजीब सा पाउडर डाल रहा था। इसके कुछ ही मिनटों में एक एक करके चूहों के मुंह से खून निकलने लगा और सबके सब मर गए। ऑफिसर्स को एहसास हुआ कि ये पाउडर असल में कोई वायरस ही है, क्योंकि जिन चूहों तक पाउडर नहीं भी पहुंचा वो भी मर गए थे। उस लाश में से भी वही वायरस मिला। उधर प्लेन में रियू बाथरूम से बाहर निकला तो सोमिन बाहर ही खड़ी थी, लेकिन उसके अंदर जाने से पहले ही एक आदमी जल्दी से अंदर घुस गया। तभी रियू ने सो के कान में कुछ कहा और वो वापस अपनी सीट पर आ गई। बाथरूम में मौजूद आदमी को लगा कि हवा में कोई पाउडर सा है और वो जोर जोर से खांसने लगा। उसने एयर होस्टेस को सब कुछ बताया और वो भी उस बाथरूम में चली गई। वहीं प्लेन में एक आदमी वही हाईजैक वाली वीडियो देख रहा था, जिस पर पार्क की भी नजर पड़ गई। वो देखते ही पहचान गया कि ये आदमी रियू है। वो फटाफट अपनी बेटी को ढूंढने लगा, जो अब भी बाथरूम के बाहर थी। फिर उसने एयर होस्टेस को वो वीडियो दिखाई, लेकिन उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये रियू है। तभी सो ने उन्हें बताया कि रियू अपनी बाजू में कुछ छुपाकर प्लेन में लाया था। अब भी वो सो के कान में कहकर गया था कि इस प्लेन में सब लोग मरने वाले हैं। फिर एयर होस्टेस ने रियू से उसकी आईडी मांगी, लेकिन वो खुद को एक साइंटिस्ट बताने लगा। उधर इनो बाकी पुलिस वालों के साथ एयरपोर्ट पहुंचा और वीडियो टेप वाले आदमी की आईडी ढूंढने लगा। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रियू ही था। इनो की पत्नी भी उसी प्लेन में थी, ये सोचकर उसका दिल दहल गया। प्लेन में जो आदमी बाथरूम में गया था, उसके शरीर पर छाले पड़ने लगे और उसकी एक आंख फूटकर बाहर आ गई। फिर उसे खून की उल्टी हुई और वो जमीन पर गिर गया। इससे पूरे प्लेन में अफरा तफरी मच गई और एक डॉक्टर ने उसे देखकर बताया कि वो मर चुका है। पार्क ने उसकी मौत का जिम्मेदार रियू को ठहराया और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। उस प्लेन पर 3 पायलट थे, कैप्टन वॉन, पायलट चॉय और पायलट जैंग। जल्द ही उन्हें भी सारे मामले की खबर पहुंच गई और एयरपोर्ट से भी उन्हें रियू के खिलाफ जानकारी मिली। चॉय ने जाकर देखा कि पार्क और रियू एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे और उसने बड़ी मुश्किल से दोनों को छुड़ाया। चॉय ने रियू से उसकी आईडी मांगी तो वो कॉकपिट की तरफ भागने लगा, लेकिन यात्रियों ने उसे दबोच लिया। लेकिन इससे पहले ही उसने स्प्रे निकाल कर चारों ओर छिड़क दिया। इसके बाद चॉय ने कैप्टन को बताया कि प्लेन में सब बीमार पड़ रहे हैं। कैप्टन की जान बचाने के लिए चॉय खुद भी बाहर ही रुक गया। उधर सरकारी ऑफिसर्स और इनो की टीम ने छानबीन करके पता लगाया कि रियू ब्रीकॉम नाम की एक कंपनी में काम करता था।
लेकिन उस कंपनी ने मदद करने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगे कि उनका हाईजैकिंग से कुछ लेना देना नहीं है। अब वक्त बहुत कम था, इसलिए इनो ने कहा कि उन्हें रियू से स्प्रे की दवाई लेनी चाहिए ताकि बाकी लोगों की जान बच सके। सरकार मान गई और फिर चॉय ने रियू से बात करनी शुरू की, जिसे सब सुन रहे थे। लेकिन कुछ भी बताने के बजाय रियू बस यही कहता रहा कि प्लेन पर मौजूद हर इंसान मारा जाएगा। और अचानक उसने भी खून की उल्टी कर दी, यानी कि वो खुद भी वायरस की चपेट में था। तभी प्लेन सीधा नीचे गिरने लगा, क्योंकि कैप्टन भी किसी तरह उस वायरस की वजह से मर गया था। अब प्लेन क्रैश होने ही वाला था कि पायलट जैंग कॉकपिट में गया और प्लेन को सीधा करने की कोशिश में लग गया। अचानक क्रैश होने से पहले पार्क ने वहां आकर स्पीड ब्रेकर दबा दिया और किसी तरह प्लेन को बचाया। तब हमें पता चला कि असल में पार्क भी एक पायलट हुआ करता था, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। तभी अचानक से जैंग की हालत बिगड़ने लगी, इसलिए चोई ने प्लेन संभाला। उधर रियू की मौत हो गई और एक यात्री ने वहां का खौफनाक मंजर रिकॉर्ड करके एक न्यूज चैनल को भेज दिया। इनो को ब्रिकॉम कंपनी पर शक हो रहा था, इसलिए वो उनके ऑफिस में उनके डायरेक्टर से मिलने पहुंचा, लेकिन गार्ड्स ने उसे अंदर घुसने ही नहीं दिया। गुस्से में इनो की उनसे हाथापाई हो गई। उधर हवाई जहाज पर लोग एक एक करके मर रहे थे, इसलिए स्टाफ ने वायरस वाले और बिना वायरस वाले लोगों को अलग अलग कर दिया। पार्क को कुछ नहीं हुआ था, इसलिए वो अपनी बेटी के साथ आगे जाने लगा, लेकिन एक आदमी ने उन्हें रोक दिया क्योंकि सो को छाले हो गए थे। हालांकि वो किसी और बीमारी की वजह से थे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें मजबूरन वायरस वाले लोगों के साथ जाना पड़ा। इसी तरह कई घंटे बीत गए और अब प्लेन यूएसए पहुंचने ही वाला था। अचानक चोई को यूएसए की तरफ से मैसेज आया कि यहाँ लैंडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि उनके पास प्लेन में मौजूद वायरस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब मजबूरन चोई को प्लेन कोरिया में लाना पड़ा। अचानक इनो को ब्रिकॉम नाम के एक आदमी का कॉल आया, जिसने बताया कि वायरस की खबर फैलते ही कंपनी में से सुंग हॉन नाम का एक आदमी भाग गया। इनो पुलिस के साथ उसके ठिकाने पर पहुंचा, लेकिन भागने की बजाय उसने तो उनकी मदद की। सुंग ने बताया कि रियू ने दरअसल उसे फंसाया है और इस वायरस का नाम है SC1। ब्रिकॉम ने इसे गैर कानूनी तरीके से तैयार करवाया और इसी चक्कर में उनके रिसर्चर्स वायरस की चपेट में आकर मर गए। लेकिन सिर्फ एक रिसर्चर बची, जिसने बताया कि रियू ने ही सारे रिसर्चर्स में वायरस फैलाया था। कंपनी ने रियू को काम से निकाल कर सारा मामला रफा दफा कर दिया। फिर रियू ने सुंग को धोखा देकर उससे वायरस का एक सैंपल ले लिया। इसके बाद इनो उस बची हुई रिसर्चर का पता लगाने लगा। उधर प्लेन में पार्क ने बताया कि उसे नौकरी इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि उसके प्लेन में आग लग गई थी और उसने ऑर्डर्स के खिलाफ इमरजेंसी लैंडिंग की, जिससे सारे यात्री तो बच गए लेकिन दो एयर होस्टेसेस मारी गई। तभी अचानक चोई को भी खून की उल्टियां होने लगी, जिसका मतलब ये था कि अब हवाई जहाज पार्क को ही संभालना होगा। कुछ घंटों बाद इनो उस रिसर्चर से मिला और उसने वो वायरस तुरंत पहचान लिया। तभी सरकार को खबर मिल गई कि ब्रिकॉम के पास वायरस की वैक्सीन है और वो कंपनी पर वैक्सीन देने का दबाव बनाने लगे। आखिरकार कंपनी ने कहा कि वो सबको मुफ्त में वैक्सीन देंगे। उधर चोई की हालत बिगड़ रही थी, इसलिए उसने जापान में ही लैंडिंग करने का फैसला किया, लेकिन जापानी लड़ाकू विमान उन्हें वहां से भगाने आ पहुंचे। उनकी टक्कर होने ही वाली थी कि चोई ने प्लेन को सीधा ऊपर उड़ा दिया। इसके बाद चोई बेहोश हो गया और पार्क ने प्लेन को फिर से मोड़ दिया। जापानी पीएम का मानना था कि जरूरी थोड़ी है वैक्सीन काम करे, इसी वजह से उन्होंने प्लेन को जापान में लैंड नहीं होने दिया। जहाज के यात्रियों की जान बचाने के लिए इनो खुद पर वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट करवाने को तैयार हो गया। उसने जबरदस्ती खुद में वायरस डलवाया और फिर रिसर्चर्स ने उसे वैक्सीन दी। वो दर्द से चिल्ला रहा था और बदकिस्मती से वैक्सीन ने काम नहीं किया। पूरे कोरिया में दंगे शुरू हो गए और सरकार को मजबूरन प्लेन को कोरिया आने से मना करना पड़ा। इसकी खबर प्लेन में मौजूद यात्रियों को पहुंची और आखिरकार पूरी धरती पर लोगों की जान बचाने के लिए वो सब खुद को कुर्बान करने को तैयार हो गए। पार्क ने कंट्रोल टावर में मैसेज भेजकर कहा कि अब वो लोग लैंड नहीं करेंगे और फिर उसने सारे रेडियो कनेक्शंस काट दिए। जल्द ही सभी यात्रियों ने अपने घर वालों को कॉल करके एक आखिरी बार अलविदा कह दिया और प्लेन समुंदर की ओर बढ़ चला। अचानक इनो बेहोशी से उठा, यानी कि वैक्सीन ने काम करना शुरू कर दिया था। बिना वक्त गवाए उन लोगों ने प्लेन को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। आखिरकार उन्होंने यात्रियों के परिवार वालों को उन्हें कॉल करने को कहा। ये तरकीब काम कर गई और वैक्सीन की खबर सुनते ही प्लेन पर मौजूद सभी लोग खुशी से झूमने लगे। अब प्लेन फिर से लैंडिंग के लिए तैयार था, लेकिन उसका फ्यूल खत्म होने ही वाला था।
प्लेन के क्रैश होने की एक बहुत बड़ी संभावना थी, लेकिन एन मौके पर पार्क ने अपनी काबिलियत से प्लेन को गोल घुमाकर स्पीड कम कर दी और आखिरकार प्लेन लैंड हो गया। सभी लोग सही सलामत बच गए। कई दिन बाद पार्क सभी यात्रियों से मिलने गया, जहां पर इनो भी मौजूद था। बदकिस्मती से वायरस की वजह से वो पैरालाइज हो गया था, लेकिन उसकी बहादुरी ने हजारों लोगों की जान बचाई। इनो पार्क की तरफ देखकर मुस्कुराया और यही कहानी खत्म हो गई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।